जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन जो है वायर है, स्ट्रेट वायर, उसकी वजह से स्फेरिकल शेल जो यूनिफॉर्मली चार्ज हो उसकी वजह से, और एक सॉलिड स्फीयर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज हो उसकी वजह से। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट, एक पतली और बहुत बड़ी इनफाइनाइट शीट है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके ऊपर हमें उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। जैसे बोर्ड की एक शीट है इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज है पूरे के ऊपर, अब ये इनफाइनाइट है तो पॉइंट कहाँ हो सकता है, या तो बोर्ड के इस साइड में या बोर्ड के उस साइड में, ये शीट हो गई पॉइंट या इधर होगा इधर होगा, इतनी दूरी पर यहाँ ले इतनी दूरी पर यहाँ ले तो इंटेंसिटी रहेगी सेम। तो ऐसे पॉइंट इधर बहुत सारे होंगे, मतलब यहाँ पर मैं 10 सेंटीमीटर पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, इधर भी 10 सेंटीमीटर पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो उन सभी पॉइंट्स को मिलाकर भी हमें यहाँ गॉसियन सरफेस बनाना, जैसे सब लोग बनाते आए हैं। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करो, ध्यान देखना, एक शीट इनफाइनाइट शीट है ये, लेकिन हम यहाँ पर कुछ बना के दिखाएंगे इसको साइज का, ये शीट है, ये ऐसे है बोर्ड के ऊपर ध्यान रखना, और पूरी के ऊपर चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं हम। फिगर जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, फिगर अच्छे से बनाना आना चाहिए आपको, हर चीज फिगर से ही एक्सप्लेन की जाएगी, और फिगर तब बन पाएगा जब आपके दिमाग में वो चीज रहेगी टॉपिक क्या कर रहे हैं हम, क्या हमें लेना है, तो कंसंट्रेट होना चाहिए उसके ऊपर जो हम काम कर रहे हैं। शीट है, इससे इधर एक पॉइंट मान लो हमने पी ले लिया, अब ऐसे ऐसे पंद्रह शीट से यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं हम, एक सर्कल में ले लेते हैं पॉइंट, यहाँ इतनी दूरी पर सर्कल में लगा लेंगे और उन सबको मिलाएंगे, एक सर्कल इधर शीट से इधर, एक सर्कल इधर है, एक सर्कल इधर है, दोनों सर्कल को मिलाए हैं तो क्या होगा, एक सिलेंडर बनेगा, मतलब यहाँ वैसे बना के कर देता हूँ, ध्यान से समझ लेना, ये हुआ एक सर्कल, इसके अंदर जितने पॉइंट है सब पर इंटेंसिटी एक जैसी होगी, उनकी शीट से सभी इक्वल डिस्टेंस होंगे, एक दूरी पर होंगे, एक सिलेंडर जो शीट को क्रॉस करके निकल रहा है, काट के निकल रहा है, इतना इधर लिया इतना इधर लिया हमने, जितने पॉइंट यहाँ पर होंगे उतने पॉइंट यहाँ पर ले लिया हमने, इस शीट को हमने यहाँ पर कितना इस शीट को क्रॉस करके निकल रहा है, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस होगा। जैसे पहले बताया सिलेंडर में तीन सरफेस होते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट, ये सेकंड जो कर्व सरफेस है, और थर्ड ये तो बीच में सरफेस है, इसका मतलब क्या है कि ये इतनी शीट को काट कर निकल रहा है, बाकी शीट सिलेंडर से बाहर रहेगी, शीट के अंदर केवल ये हिस्सा रहेगा जितना इसका क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, ठीक है, ये ध्यान में रखने की चीज है ये। तो अब पॉइंट मान लो यहाँ है, ये शीट है, ध्यान समझना, ये शीट है, शीट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इंटेंसिटी बतानी है, तो क्या होगा, यहाँ पर लीड पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, अपोज करेगा इसका, तो इधर होगी एक्टिव फील्ड इंटेंसिटी, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, क्योंकि ये सरफेस होगा इसका, तो इसके ऊपर आउटवर्ड एंड नॉर्मल, इधर ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, क्योंकि सीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऊपर से इधर होगा, आपके पास एरिया वेक्टर इधर होगा, और इस कर्व सरफेस के ऊपर चाहे यहाँ ले लो पॉइंट, चाहे यहाँ ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये सीट से इधर 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 लेंगे तो इधर, और एरिया वेक्टर ऐसे।
ये सिलेंडर है, यहाँ पॉइंट है, आउटवर्ड एंड नॉर्मल एरिया वेक्टर ऐसे, ये इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। तो तीनों सरफेस पर हमने ई और डी एस निकाल लिए। ये शीट की जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा, सरफेस चार्ज है, क्योंकि शीट के सरफेस पे चार्ज है, तो हम इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एस ले लेते हैं। लेट ए यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। डिस्टेंस पॉइंट की यहां से हमने आर मान ली है, तो आर डिस्टेंस इधर होगी, तो सिलेंडर जो टू आर डिस्टेंस का होगा यहाँ पर। तो हमने क्या लिया, पी बी डी पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम शीट। अज्यूम द ओरिजिन सरफेस विच इज ए सिलेंडर ऑफ डेंसिटी, सॉरी सिलेंडर ऑफ लेंथ टू आर extended both side of sheet equally, sheet के दोनों तरफ बराबर रूप से extended है, जैसे हमने फिगर में दिखाया है। S क्या मान लेते हैं, area of cross section of cylinder, ठीक है। देन चार्ज एनक्लोज्ड बाय सिलेंडर, सिलेंडर के द्वारा जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो चार्ज यानी सिग्मा है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पर कितना चार्ज, सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, ये एरिया जो कि S के बराबर है, तो सिग्मा इनटू S चार्ज एनक्लोज हो जाएगा। जरूर पड़ेगी इसकी। अकॉर्डिंग टू लॉस थ्योरम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस जो कि सिलेंडर है E डॉट ds, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज एनक्लोज्ड। देखो अब ये जो है तीन हिस्सों में, आप ये कर सकते हो, पहले ये सॉल्व कर लेते, बाद में अप्लाई करके हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, इसको तीन हिस्सों में तोड़ दोगे, क्योंकि सरफेस तीन है सिलेंडर के अंदर, ई डॉट डी एस फर्स्ट सरफेस, ई डॉट डी एस और सेकेंड सरफेस, एंड ई डॉट डी एस और थर्ड सरफेस, ये वन बाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज्ड सिग्मा एस। अब देखिए जो सेकेंड सरफेस आता है, एक कर्व सरफेस ये वाला, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेकेंड सरफेस जीरो, कारण क्योंकि E परपेंडिकुलर टू डी एस और कोस 90 जीरो। बचे ये दोनों सरफेस का एरिया सेम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है यहां पर, तो इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी, यानी
पहले सरफेस का जो है P डॉट ds और फर्स्ट सरफेस इक्वल टू होगा E डॉट ds और दी थर्ड सरफेस, दोनों इक्वल हो गए। सॉल्व करोगे तो E ds cos 0 डिग्री, ठीक है, cos 0 वन होता है, E बाहर और ds का इंटीग्रेशन। ds का इंटीग्रेशन मतलब सरफेस एरिया यहाँ का क्रॉस सेक्शन का, जो कि s के इक्वल होगा, और ये सब किसके इक्वल आएगा, E इनटू s। ये हमें मिल गया, ये इक्वेशन हमने यहाँ पर छोड़ रखी थी, इसको इक्वेशन वन कह रहा हूँ मैं। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, देखिए ध्यान से, पुटिंग इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पहले सरफेस का E इंटू एस, दूसरे का जीरो, तीसरे का फिर E इंटू एस, वो सारा किसके इक्वल, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये टू E इंटू एस, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कहीं पर भी निकालें शीट के, उसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, चाहे शीट से इधर चाहे इधर, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है क्योंकि इनफाइनाइट शीट है, ठीक है। एक सिंगल शीट की वजह से, इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों साइड में सेम होगी, सिग्मा अपॉन टू, डायरेक्शन अलग हो सकती होगी क्योंकि देखिए शीट के इसमें डायरेक्शन इधर है, इसमें डायरेक्शन इधर है, वो अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इसमें इधर होती, इसमें इधर होती, दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थे इनफाइनाइट शीट की वजह से निकाली हमने, वो कंप्लीट हो गई है, ये रिजल्ट है। और नेक्स्ट जो है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए थैंक यू, ओके बाय।